प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम सत्यम कुमार, मैं कक्षा सातवां का छात्र हूँ। मैं आपके स्कूल का बॉय कैप्टन हूँ। आज की प्रातः सभा कक्षा तीसरा के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं आप सभी को स्कूल के सभी कैप्टनों के तरफ से मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज मदर्स डे है। मैं सुनीता मैम, मेंटर ऑफ आवर हाउस, को एक छोटे से स्पीच के लिए बुलाना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर और टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को आज मदर्स डे पर हार्दिक शुभकामनाएं। माँ इस शब्द से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है, जिसके बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं ईश्वर सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया। माँ को सम्मानित करने के लिए ही मदर डे बनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें अपने माँ के प्रति आभार प्रकट करने का मौका देता है। माँ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक माँ अपने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित करती है, अपने हाथ पकड़कर उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। माँ एक ईश्वर की तरह है जिसने हमें इस खूबसूरत दुनिया में लाया, इसलिए हम सभी यह सुनिश्चित करें कि हम आज के दिन को अपनी माँ के लिए एक विशेष दिन बनाएं और हर दिन अपने माँ के प्रति अपने प्यार और कृतज्ञता को व्यक्त करते रहें। इसके साथ मैं आप सभी को इस शानदार दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। यह समय एक छोटे से एक्ट का है। मैं पार्टिसिपेटेड कैप्टन्स को बुलाना चाहता हूँ। एक बार एक बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर उनसे झगड़ा करने लगा और घर से बाहर आकर अपने दोस्त को सारी बात बताने लगा। मैं अपनी माँ से तंग आ चुका हूँ, मैं कुछ भी करूँ कहीं जाऊँ उनको क्या, हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तभी ये सारी बात उनके टीचर सुन लेते हैं। तुम ये क्या कह रहे हैं? जो भी बोल रहा हूँ ठीक ही तो बोल रहा हूँ, क्या गलत कह दिया मैंने? ठीक है, पर यह बात बोलने से पहले तुम मेरी एक बात मानो, उसके बाद जो बोलना बोलते रहना। ठीक है। यह पत्थर तो अपने पेट पर बांधो और 24 घंटे बाद आकर मुझसे मिलना। ठीक है। 24 घंटों बाद अगले दिन। टीचर अब यह मुझसे बांध कर नहीं घुमा जाता। तुमसे यह 24 घंटे बांध कर नहीं रहा जा सकता, तो सोचो हमारी माँ हमें 9 महीने तक कैसे पेट में लेकर रहती है और तुम उन्हीं को भला बुरा कह रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बोलूंगा और प्यार से रहूंगा। माफी मांगना है तो अपने माँ से मांगो, मुझसे क्या मांगता है? अपमान तो अपने माँ का किया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने माँ से माफी मांगने। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। ठीक है। ये दुनिया है तेज धूप पर वो तो बस छाव होती है। ये दुनिया है तेज धूप पर वो तो बस छाव होती है। स्नेह से सजी ममता से भरी माँ तो बस माँ होती है। थैंक यू। यह समय शपथ ग्रहण का है। मैं मेंटर ऑफ आवर हाउस सुनीता मैम को बुलाना चाहती हूँ। अब मैं स्कूल बॉयज कैप्टन सत्यम कुमार को बुलाना चाहूँगी। मैं नाम सत्यम कुमार। नाम सत्यम कुमार। अब मैं स्कूल गर्ल्स कैप्टन जैस्मिन नारायण को बुलाना चाहती हूँ शपथ ग्रहण के लिए। मैं नाम जैस्मिन नारायण। नाम जैस्मिन नारायण। वर्ग 8 में पढ़ती हूँ। मुझे स्कूल कैप्टन के रूप में चुना गया है। अब मैं येलो हाउस के कैप्टन अभिषेक कुमार को बुलाना चाहती हूँ शपथ ग्रहण के लिए। मैं
नाम अभिषेक कुमार, नाम अभिषेक कुमार, मैं रेड हाउस के कैप्टन राहुल कुशवाहा को बुलाना चाहती हूँ शपथ ग्रहण के लिए। मैं राहुल कुशवाहा, राहुल कुशवाहा, मुबीन आलम को जो ग्रीन हाउस के कैप्टन है शपथ ग्रहण के लिए बुलाना चाहती हूँ। मैं नाम तस्लीमुद्दीन आलम, नाम तस्लीमुद्दीन आलम, वर्ग 8 में पढ़ता हूँ, वर्ग 8 में पढ़ता हूँ। मैं नाम साहिल कुमार को ब्लू हाउस के कैप्टन के रूप में बुलाना चाहती हूँ। मैं नाम साहिल कुमार, नाम साहिल कुमार, वर्ग 7 में पढ़ता हूँ, वर्ग 7 में पढ़ता हूँ। यस, मैं डांस का है, मैं दीप सर को बुलाना चाहती हूँ। तेरी
कार्यक्रम को हम एक छोटे से डांस के साथ समाप्त करना चाहते हैं। मैं सभी कैप्टन और उनके साथी को डांस के लिए बुलाना चाहता हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी खुशी में मेरी माँ को खुशी मिलती है। मेरे तकदीर में एक भी गम नहीं होता। अगर मेरे तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता, आज मैं मेरी माँ के लिए कुछ गाना चाहूँगा। किसी स्वार्थ के प्यार सिर्फ माँ ही करती है। मेरे जमीन का जो आसमान है वो मेरी माँ है। I would like to call respected principal sir. Good morning student. Once again happy Mother's Day. That was a very awesome program. And to All the credits go to all captain. ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, पूरे कैप्टन लोग ने ही इसको शेड्यूल किया है। And I'm very proud to be with them. मैं पे बहुत ही गर्व करता हूँ। They have prepared very well program. So इसके लिए clap please. I hope इसी तरह से हमारे जो कैप्टन हैं, वो इसी तरह से प्रोग्राम करते जाएंगे, एक्टिविटी हो गए, आपकी जो भी खामियां हैं वो पूरी करेंगे। और आप ही इनको चुना है, आप ही इनको सब कुछ किया है। एंड सत्यम और जैस्मिन आर डूइंग वेरी ऑसम, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आपकी असेंबली बहुत ही अच्छी हो रही है। और जो बाकी चार कैप्टन है, वो जो हमारे हाउस कैप्टन है, उनका डांस भी बहुत अच्छा था, वेरी गुड। एंड टुडे एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग को आपका हाउस मिल चुका है, तो मंडे से आपका हाउस के हिसाब से आपको लाइन लगेगा, ठीक है। देन आफ्टर एक चार्ट यहाँ पे लगेगा कि पर मंथ किस हाउस ने कितना पॉइंट कमाया है, वहाँ पे पॉइंट इंक्लूड होते रहेगा। तो पूरी ईयर में, माने कि कल से लेकर पूरी ईयर तक कौन सा हाउस बेस्ट है, तो बेस्ट हाउस को प्राइस दिया जाएगा। माने कि हर एक दिन, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन हो गया या पेपर हो गया, एग्जाम हो गया, एग्जाम में किसकी हाउस से सबसे अच्छे मार्क्स आए तो उनको वहाँ पॉइंट मिलेगा, प्लस वन पॉइंट मिलेगा। भले गेम हो या असेंबली हो, कुछ भी हो, बिहेवियर हो, एवरीथिंग एल्स, डिसिप्लिन एल्स, जो भी है, आपको चार्ट में रेड हाउस ब्लू हाउस के चार्ट में वहाँ लगा रहेगा, आपको वो पॉइंट ऐड होते रहेगा। एंड ऑफ द ईयर जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट रहेंगे, जो सबसे ज्यादा मैच जीते होंगे, जिनके ज्यादा पॉइंट होंगे, उनको बेस्ट हाउस मिल जाएगा, ठीक है। तो कल से, सॉरी मंडे से आप लोग के हाउस कैप्टन के साथ में आपको लाइन लगना है। एंड दैट आफ्टर आई विश टू ऑल द कैप्टन, आपका जो भी ईयर है वो सबसे बेस्ट रहे। थैंक यू वेरी मच। ये समय राष्ट्रगान का है, मैं आराध्या वंदना आयशा को बुलाना चाहता हूँ। राष्ट्रगान शुरू करें। जन गण मन दिना